हाय डियर्स, वेलकम टू रोस एजुकेशन. दिस इज रोस मीयर. आज हम लोग कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी लाइन एंड एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी देख लेते हैं. तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉवर्टी में आ जाते हैं. तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉवर्टी में दो कॉन्सेप्ट्स है, दैट इज पहला है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी. अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी कि क्या होता है? अभी पॉवर्टी को मेजर किया जाता है मिनिमम कैलोरी इनटेक से. ठीक है, मिनिमम कितना कैलोरी एक इंसान के अंदर जाना चाहिए उसके हिसाब से पॉवर्टी को नापा जाता है या मेजर किया जाता है. तो पहले तो प्लानिंग कमीशन ने ये तय कर लिया कि पर कैपिटा डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट रूरल एरिया या ग्रामीण प्रदेश में या विलेजेस में जो है 2400 या 2400 कैलोरी एक इंसान के लिए ज़रूरत है और अर्बन एरिया में 2100 यानी कि 2100 है. तो अगर एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो पर कैपिटा डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट कितना होगा? 2250 के हिसाब से. ठीक है, अभी आप लोग सोचोगे कि रूरल एरिया में 2400 और अर्बन एरिया में 2100 ऐसा क्यों डिफरेंसेस है? अब रूरल एरिया या विलेजेस में ज़्यादातर खेती बाड़ी होता है तो उसमें कैसा फिजिकल एग्जोशन बहुत होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा के काम करना पड़ता है. तो अभी अर्बन एरिया में भी मेहनत लगाना पड़ता है लेकिन रूरल एरिया में स्पेसिफिकली खेती बाड़ी है. ठीक है, और जो है लोग ज़्यादातर पैदल जाते आते हैं. ठीक है, वैसे देखा जाए तो रूरल एरिया में जो है एक इंसान को ज़्यादा कैलोरीज चाहिए. ठीक है, खाना थोड़ा सा ज़्यादा उनको लगता है, उतना मेहनती है वो लोग. ठीक है, लेकिन अर्बन एरिया में इंडस्ट्रीज ज़्यादा है तो उसके हिसाब से थोड़ा कम लगेगा. इसके लिए ऐसा तय कर लिया कि 2400 फॉर रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया के लिए 2100. फाइन, तो एवरेज आ जाएगा 2250. तो इतना तो आमदनी होना चाहिए कि रूरल एरिया के इंसानों को या इंसान को 2400 कैलोरी इंटेक होने के लिए उतना तो आमदनी रहना चाहिए. अर्बन एरिया के जो इंसान है उसको 2100 कैलोरी इंटेक के लिए उतना तो आमदनी रहना चाहिए. एवरेज बेसिस पे 2250 उतना तो आमदनी रहना चाहिए है अपना. जो क्या बोलते हैं हम लोग कि अपना कैलोरी इंटेक के लिए. फाइन, तो अगर नहीं है उनके पास तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोला जाता है. ठीक है, उतना मीन पर कैपिटा डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है उसके लिए अगर आमदनी उनके पास उतना नहीं है तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आ जाते हैं. तो ये ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज जैसे अपना देश है, भारत है, इसमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी पाया जाता है. तो इफेक्टिव मेजर्स लेना पड़ेगा, यानी कि इफेक्टिव पॉवर्टी एलिवेशन मेजर्स लेना पड़ेगा अगर एब्सोल्यूट पॉवर्टी को ख़त्म करना है या गरीबी को ख़त्म करना है. तो दूसरा यहाँ पे है रिलेटिव पॉवर्टी. रिलेटिव पॉवर्टी को डिफाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट है. वो इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसको जज किया जाता है या मेजर किया जाता है कंपेयर करके रिलेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग अलग अलग सेक्टर्स के लोगों के बीच में. यानी कि इसको नापा जाता है जो भी डिफरेंसेस है लेवल ऑफ इनकम, वेल्थ, कंजम्पशन, इकोनॉमिक इनएक्टिविटी. इकोनॉमिक इनएक्टिविटी यानी कि बेरोजगारी हो सकता है या ओल्ड एज की वजह से जो है काम नहीं कर सकते हैं. ठीक है, फाइन, तो ये इसके बेसिस पे जो है वो रिलेटिव पॉवर्टी होता है. से फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास साइकिल है लेकिन नेबरहुड में या नेबरिंग एरियाज़ के जो लोग रहते हैं वो उन लोगों के पास स्कूटी मिनिमम है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास कार है. ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेयर करेंगे तो आई एम इन
रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है, सिंपल ऐसे कंपैरिजन बेसिस पे किया जाता है, उसका एग्जांपल मैं बता रही हूँ, ओके, सिंपल एग्जांपल्स बता रही हूँ। सिमिलरली अगर मुझे अब्रॉड जाना है हायर स्टडीज़ के लिए, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन जो नेबरिंग एरियाज़ में हैं वो लोगों को उतना पैसे है कि उनके बेटी बेटियों को वो लोग आराम से जो है अब्रॉड कंट्रीज़ में हायर स्टडीज़ के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से यू नो अनदर एग्जांपल ले ले, तो सपोज़ मैं बीमार पड़ गई, ओके, और जो सपोज़ बीमार पड़ गए तो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए उतना पैसा नहीं है, लेकिन नेबरिंग एरिया के लोग जो है एकदम प्राइवेट हॉस्पिटल में एकदम अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ रिलेटिव पॉवर्टी इन कंपैरिजन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो डिफरेंसेस। सिमिलरली हाई क्वालिटी गुड्स, यू नो एकदम हाई, यू नो कैन से जो घर के अंदर एसी है अच्छा क्वालिटी का, वी कैन से वॉशिंग मशीन एकदम यू नो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन एकदम हाई, एकदम अच्छा खासा पैसा दे के, यू नो टीवी भी एकदम अच्छा खासा पैसे दे के, यू नो नेबरिंग एरिया में वैसा है लेकिन हमारे पास नहीं है, तो ऐसा अगर है तो वो होगा रिलेटिव पॉवर्टी हम लोग बोल सकते हैं। तो रिलेटिव पॉवर्टी को मिटाना बोलेगा तो वो डिफ़िकल्ट है, ये हर कंट्रीज़ में होता है, ठीक है। रिलेटिव पॉवर्टी ऑफ कोर्स हर कंट्रीज़ में होगा, तो इसको मिटाना बोलेगा तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर जो एकदम इफ़ेक्टिव पॉलिसी मेजर्स लिया जाए तो डेफिनेटली उसको कम किया जा सकता है, ओके। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी, फाइन। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है, फाइन, लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी वो हर जगह पे होता है, हर एक कंट्रीज़ में जो है रिलेटिव पॉवर्टी होता है, और इसको मिटाना बोलेगा तो वो पॉसिबल नहीं होता है। अभी हम लोग आ जाते हैं पॉवर्टी लाइन पे। पॉवर्टी लाइन क्या होता है? पॉवर्टी लाइन एक इमेजिनरी लाइन होता है जो डिवाइड करता है पुअर और नॉन पुअर को, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन है जो डिवाइड करता है कि कौन कौन गरीब लोग हैं और कौन कौन लोग गरीब नहीं है, ठीक है। तो इसको डिटरमाइन किया जाता है पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के हिसाब से। हालांकि अलग अलग कमिटीज़ ने और रिसर्च स्टडीज़ के अलग अलग डेफिनेशन दिया है, लेकिन टास्क फोर्स ऑन एलिमिनेटिंग पॉवर्टी जो NITI आयोग का है, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आयोग के हिसाब से उन्होंने पॉवर्टी लाइन को इस तरीके से डिफाइन किया है। पॉवर्टी लाइन इज डिफाइंड एज द थ्रेशहोल्ड एक्सपेंडिचर और द अमाउंट नेसेसरी टू परचेस अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कंसिडर्ड नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स एट सोशली एक्सेप्टेबल लेवल्स। तो इनके हिसाब से पॉवर्टी लाइन यानी कि थ्रेशहोल्ड एक्सपेंडिचर है, यानी कि उतना अमाउंट ज़रूरत है ताकि वो एक टोकरी या एक बास्केट गुड्स एंड सर्विसेज का खरीद सके जो ज़रूरत है पूरी करने के लिए, जो हमारी बेसिक मनुष्य के ज़रूरतें है, जो हमारी बेसिक मनुष्य के ज़रूरत है, ह्यूमन नीड्स सोशली एक्सेप्टेबल लेवल्स पे, ठीक है, उसको कहा जाता है पॉवर्टी लाइन। अभी पॉवर्टी लाइन अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग होता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने ऐसे डिफाइन किया है कि $1.90 पर कैपिटा पर डे 2011 के प्राइसेस के हिसाब से परचेसिंग पावर पैरिटी बेसिस पे PPP के बेसिस पे इतना तो होना चाहिए करके, दैट इज़ $1.90 पर कैपिटा पर डे इतना तो होना चाहिए 2011 के प्राइसेस के हिसाब से, ऐसा डिफाइन किया है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। ये डेटा 2011 के हिसाब से है, और
उसके बेसिस पे इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन आ रहा है 21.2% के जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन आ रहा है अपना देश का। अभी हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। पहला है रूरल पॉवर्टी, दूसरा है अर्बन पॉवर्टी। अभी रूरल पॉवर्टी क्या होता है? रूरल पॉवर्टी यानी कि कुछ विभाग या कुछ सेक्शंस के लोग जो विलेजेस में रहते हैं या ग्रामीण प्रदेश में रहते हैं, उनको अपनी बेसिक ज़रूरतें या बेसिक नीड्स वो पूरी नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनके पास उतना आमदनी नहीं होता है अपने बेसिक नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए या पूरी करने के लिए, तो उसको बोला जाता है रूरल पॉवर्टी। तो ये ज़्यादातर रूरल पॉवर्टी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो छोटे फार्मर्स है जिनके पास बहुत ही छोटा सा एक टुकड़ा है ज़मीन का, उसके ऊपर उन लोग खेती करते हैं, या तो फिर एग्रीकल्चरल लेबरर्स जिसको हम लोग पेजेंट्स बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों में रूरल पॉवर्टी ज़्यादा होता है। इसके अलावा लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम हो, जबकि 100 होना चाहिए पर सिर्फ 50 हो रहा है, ठीक है, उतना 50 जो है 50% कम हो रहा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ऐसा अगर होता होगा, या सूखा पड़ जाना बोलते हैं ना, ड्रॉट्स आ जाए, या तो फिर रूरल इंडिपेंडेंस यानी कि अगर उनका लड़की का अगर शादी हो तो वो लोग क्या करते हैं कि उधार लेते हैं पैसे, अगर लड़के को सिटीज़ में बेचना है पढ़ाई करने के लिए तो फिर उसके लिए उधार लेते, तो उधारी में फिर रह जाते हैं वो लोग, फिर इलिटरेट या अनपढ़ होने की वजह से, या तो फिर लैक ऑफ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छा खासा नहीं रहता है, रोड्स वगैरह वो इतना पक्का नहीं रहता है, ठीक है, इसके अलावा अल्टरनेटिव जॉब्स भी नहीं रहता है, ठीक है, तो ऐसा अब जब भी होता है तो तकलीफ जो है बढ़ जाती है रूरल पॉवर्टी का, यानी कि रूरल पॉवर्टी फिर बढ़ जाता है, फाइन। अभी दूसरा है अर्बन पॉवर्टी। अर्बन पॉवर्टी यानी कि कुछ विभाग के लोग या कुछ सेक्शंस के लोग जो टाउन्स और सिटीज़ में रहते हैं, उनके पास अगर अपना बेसिक नीड्स या बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी आमदनी नहीं है, तो वो उसको बोला जाता है अर्बन पॉवर्टी। ये ज़्यादातर इसलिए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिलओवर इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन का स्पिलओवर इफेक्ट्स बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी कि वो गांव से आ तो गए अर्बन एरिया में, टाउन्स या सिटीज़ में आ गए, यहाँ पे आने के बाद में भी उनको अच्छा खासा नौकरी मिलता है क्या? नहीं मिलता उनको, इनफैक्ट उनको जॉब्स नहीं मिल पाता है, मुश्किल से जो है उनको मिल भी जाता है तो बहुत कम आमदनी मिल जाता है उनको, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स होती है, तो उसी के वजह से जो है घर सस्ते में उनको नहीं मिल पाता है, तो फिर वो लोग क्या करते, फिर स्लम्स में रहना चालू हो जाता है, उसके वजह से अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स होता है, जैसे यू नो पोल्यूशन एक्सेट्रा होता है, वो अलग है, ठीक है, फिर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स वगैरह जो है वो यहाँ पे भी अर्बन एरियाज़ में भी इतना कुछ खास नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो होता है, तो सभी लोगों को जो है नौकरी मिल भी नहीं पाती है, ठीक है, आए तो वो लोग इंडस्ट्रीज़ में यू नो काम मिलने के लिए, लेकिन उनको मिल नहीं पाता है। इसके अलावा इलिटरेसी, अनपढ़ रहते हैं लोग, ठीक है, तो ये सभी प्रॉब्लम्स के वजह से अगेन जब ही आमदनी नहीं मिल पाता है तो अगेन लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स क्रिएट होने का पॉसिबिलिटीज़ होता है, यानी कि चोरी वगैरह होने का पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ जाता है, एक तो स्लम्स बढ़ता है, दूसरा जो है ऐसा प्रॉब्लम्स भी आता है चोरी वगैरह, यू नो क्योंकि उतना आमदनी कम होने की वजह से फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, ठीक है, तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाता है जब भी अर्बन पॉवर्टी होता है तो, फाइन। अभी जो पॉवर्टी है उसको मेजर किया जाता है पॉवर्टी रेशियो से। पॉवर्टी रेशियो क्या है? पॉवर्टी रेशियो इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पुअर टू द टोटल पॉपुलेशन। अभी अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने
और रिसर्च इंस्टीट्यूट ने काफ़ी सारा स्टडीज़ किया है एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी तय करने के लिए। और 1962 से प्लानिंग कमीशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उन्होंने अलग अलग सेवरल वर्किंग ग्रुप्स को, सिमिलरली टास्क फोर्स को और एक्सपर्ट कमिटीज़ को अपॉइंट किया एस्टिमेट करने के लिए पॉवर्टी। अभी हम लोग आते हैं एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी। पहले तो पॉवर्टी लाइन को सिर्फ कैलोरी इनटेक पे लिया जाता था। जो नॉन फूड कंपोनेंट्स है जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता था पहले। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग कमिटीज़ को अप्रूव किया ताकि रिव्यू कर सके पॉवर्टी लाइन टाइम टू टाइम, ठीक है। और उसके हिसाब से एक्सपर्ट ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, दैट इज़ चेयरमैनशिप, यानी कि डॉक्टर सी रंगराजन के चेयरमैनशिप के अंडर था 2012 में। और ये कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया 2014 में, दैट इज़ 2014 में। और उस रिपोर्ट के हिसाब से वो लोग ने पॉवर्टी लाइन को ऐसे दिया है, ठीक है, इस टैबुलर फॉर्म में दिया है, पॉवर्टी लाइन इन रुपीज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, रूरल एरिया का कितना, अर्बन एरिया का कितना। अभी रूरल एरिया में रुपीज़ 972 पर मंथ बोल रहे हैं, यानी कि रुपीज़ 32 पर डे पर पर्सन, यानी कि एक दिन एक इंसान के लिए रुपीज़ 32, ठीक है। और अर्बन एरिया में रुपीज़ 1407 पर मंथ, यानी कि 1407 रुपीज़ एक महीने के लिए, यानी कि 47 रुपीज़ पर डे पर पर्सन, 47 रुपीज़ एक दिन एक इंसान के लिए लगेगा, ठीक है। यह है अर्बन एरिया के लिए। और उसके हिसाब से जो है पॉवर्टी रेशियो का परसेंटेज भी दिया है, रूरल एरिया में 30.9%, अर्बन एरिया में 26.4% और टोटल जो है 29.5% दिया है। तो ये जो है कमेटी डॉक्टर सी रंगराजन के अंडर जो रिपोर्ट सबमिट किया गया है 2014 के हिसाब से, जैसे मैंने पहले बोला था कि अलग अलग कमिटीज़ को रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, पॉवर्टी लाइन टाइम टू टाइम रिव्यू करने के लिए, फाइन। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स, एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, ये सब आप लोगों को समझ में आया। अगर आपको ये चैनल पसंद आता हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय फ्रॉम रोज़मी।